आए थे वो सारे जाया कर दिए के जी, खराब फेंक दिए के जी, वो वहां से ईरान से आए हैं शिया टमाटर। अब सब्जियों का मजा होता है कोई? ये तो पाकिस्तान की इजाद है ना, आपने दुनिया में कभी नहीं सुना होगा कि टमाटर का भी मजहब निकाल दिया। ये क्या चाहते हैं? चाइना बार बार इंडिया को अप्रोच कर रहा है कि इंडिया चाइना के साथ खड़ा हो जाए। हमें ऑफिशियल न्यूज़ बहुत से देखने को मिल रही है और चाइना बहुत से इस वक्त पापड़ बेल रहा है, लेकिन पाकिस्तान को इसी के साथ साथ धुतकार रहा है। न्यूयॉर्क टाइम ने एक खबर शाया की है जिस खबर के मुताबिक दुनिया की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकल कंट्रीज की लिस्ट जारी की गई। तो दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, आपको पता होगा कि पाकिस्तान का एक क्लिप वायरल हुआ था जिसमें एक व्यक्ति बोल रहा था कि जो मदद ईरान से आई थी, ईरान बेसिकली शिया मुस्लिम कंट्री है, ज़्यादातर लोग वहाँ पे शिया हैं, उनकी मदद में आई हुई वस्तुओं को फेंका जा रहा था। बेसिकली टमाटर का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बोल रहे लोग कि यह शिया मुसलमानों ने भेजे, इनको फेंको। तो इस तरीके की चीज़ हो रही है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की मदद क्यों कर रहे हैं दुनिया भर के देश? क्योंकि पाकिस्तान का 80% से ज़्यादा इलाका फ्लड से प्रभावित था, जिसके बाद दुनिया के सारे देश जो भी हो सक रहे थे मदद की। ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी देश है, उसने जितना हो सका उतना भेजा। अब इस बात को तारिक फतेह से अच्छा कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा। पहले तारिक फतेह सर का ये वीडियो देखते हैं। अब बुजुर्ग होते जा रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से आप इनको देखते हुए आ रहे हो, लगभग 5-6 साल तो हो गए होंगे इंडियन मीडिया में ये देखते हुए। तो इनका वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो की बात करते हैं इस टॉपिक पर। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। सुननी मटर हो कभी जिंदगी में जो बातें सुनी है वो पाकिस्तान से सुनाई देती है। बहुत हैरत होती है, और वो भी ऐसे वक्त में जब यहाँ पर लोगों को जरूरत है खाने की। जरूरत है ना, वो कह रहे हैं ना शिया है, इनको कहीं इस्लामी हुकूमत दे दी जाए उमैयदों वाली तो कोई शिया जिंदा नहीं बचेगा। हमारे दो चार दोस्त हैं जो डॉक्टर हैं पाकिस्तान में, वो अपना लास्ट नेम आगे नहीं लिखते, डॉक्टर रिजवी, उनके घर पे वो रिजवी नहीं है, लोगों ने अपने नाम लास्ट नेम ड्रॉप किए हुए। जाति की इंतहा है, किस किस्म के जानवर पैदा किए जिना साहब ने? अब उसको काट भी सकती हैं आप, लेकिन मैं नहीं मैं नहीं काट, बिल्कुल क्यों? एक शिया को आप कहते हैं कि वो फादर ऑफ द नेशन है, लेकिन शिया नहीं आने देंगे, पागल हो गए हो, तो घास खा गए थे, क्यों उनसे बोला? क्या ये बर्तानिया से? क्योंकि अंग्रेज ने इनके बाप को बोला कि जिना साहब है, इनके 26 वो हैं, अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलते हैं, सूट इनका बड़ा आला सिला हुआ होता है, सिगार भी पीते हैं, नमाज भी नहीं पीते हैं, एक चाइल्ड बच्ची से शादी भी की है, भाग गए थे दोस्त की बेटी लेके, तो ये तो आइडियल है, ये तो खलीफा मान लें आप इन लोगों को। उन्होंने कहा अरे ऐसा बाप ऐसे आला नस्ल का हमारा फाउंडेशन कायदे आजम होगा, वो मैन हू एट पोर्क, रैन अवे विद हिज फ्रेंड्स डॉटर, 2 साल तक छुपा के रखा, पेडोफाइल, उससे क्या बेहतर मुसलमान नहीं थे क्या? क्या पाकिस्तान में वो जो थे जो जीते थे इलेक्शन, हुसैन शहीद सुहरावर्दी, मैसिव मेजॉरिटी, उसको पाकिस्तान में आने से मना कर दिया, नहीं आ सकता तू, उसे वो उसका नाम शहीद था, उसे पहले शहीद का तेरा तो नाम ही शहीद है। He had to run away and lived in Lebanon. मगर हम सर हम लोगों को रोक क्यों देते हैं कि पाकिस्तान नहीं आ सकते? बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हम जाना चाहते हैं लेकिन हम जा नहीं सकते, हमें मतलब बैन किया हुआ कंट्री में, अपने मुल्क में नहीं आ सकते पाकिस्तान में। अपने मुल्क में वही नहीं आएगा ना जिसका आपने मुल्क धर्म से बनाया है, आपने मजहब से मुल्क बनाया है। ये पहला दुनिया का मुल्क है जो बना मजहब के नाम पे बना के फिर उसके अंदर टमाटर प्याज मटर कीमा तड़का दे के फिर घुला के अंदर का ये रोबी पे का पाकिस्तान। इसमें जनाब उर्दू की ऐसी बुआ आ रही है, वाह 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 वाह, जिन लोगों की जबानों पे आपने पाबंदी लगाई उनको तो पता भी नहीं था पाकिस्तान बन रहा। जहां सबसे ज्यादा इस्लाम के फॉलोअर्स मजहबी लोग थे उन पे कुफर का इल्जाम लगा दिया आपने पश्तूनों पे, और बाद में उनको लड़वाया भी कश्मीर में भेज के, जा भाई तू लड़के आ, आपने तो हम तो आप मियां तुम्हें पता है मेमन सिंह का पान खाते हैं, हमसे लड़ा नहीं जाता, हमसे शेर सुन लो तो हम 2-4 कौमी नगमे लिख देंगे, तुम बेचारे पठानों जाके कश्मीर में मराओ यार। वो मरा यार 48 में खत्म हो गए, वापिस आए, उन्हें आप क्या करें, उन्होंने बलूचों पर अटैक करवा दो, वही टिक्का खान थे कर्नल थे उस जमाने में, उन्होंने बलूचिस्तान पे हमला करके कलात पे कब्जा कर लिया, जिसकी एम्बेसी थी कराची में, जो पाकिस्तान से 4 दिन पहले आजाद हुआ था August 11th को। कौन किसको बचाएगा? बंगाल सर हमारी तो टेक्स्ट बुक्स में भी कुछ और ही लिखा हुआ है, जो बच्चे जिक्र नहीं है बिल्कुल वही कह रही हूँ, जिक्र नहीं है, मीर गौसबख बिजिंजो का नहीं जिक्र है,
खैरबख्श मरी का जिक्र नहीं है, लस बेला का जिक्र नहीं है। आप मुझे बताइए कि अर्ली 60s में नाजमाबाद से लसबेला कितना दूर होगा? 10-20 किलोमीटर दूर होगा, वो औरंगी की पहाड़ियों के पीछे की साइड पे, वहां जंग हो रही है और हमें नहीं पता, जिसमें जनरल शराफ नाम के शख्स था शेरू मरी, जिनके बेटे मॉस्को में वहां से वापस भी आ गए शेर पाकिस्तान। देयर वाज अ वॉर गोइंग ऑन इनसाइड पाकिस्तान इन 1961-62 एंड वी डिडंट नो। मैंने तो एक एक हमारे आर्मी के हैं ब्रिगेडियर साहब, उनसे मैंने ये बात की कि बहुत ज्यादा रेप किए गए थे 71 में जो कुछ हुआ, तो वो कहने लगे नहीं वो इंडियन आर्मी थी और वो पाकिस्तानी आर्मी के यूनिफॉर्म पहनकर रहते थे। अरे वो तो इंडियन आर्मी पहुंची भी नहीं थी, जनरल टिक्का का खान का वो था न्याजी, जनरल न्याजी जो थे उन्होंने कहा कि इनकी नस्ल बदलनी हमने बंगालियों की। लेकिन उनकी बात मुझे बहुत अजीब लगी, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इतने जो है वो यूनिफॉर्म सिलवा रहा हो? फौज क्यों, वो फौज में क्यों गए, कौन डफर जाता है फौज में, मुझे ये बताइए। एक आदमी इंटर पढ़ने के बाद ISSB के एग्जाम में जाते हैं ना सारे पाकिस्तानी, मेरे जमाने में तो जाते थे, चलिए एग्जाम दिए जा रहे हैं लोग ISSB, फिर वहां से सेलेक्ट होके कहीं एबटाबाद में भेजा जाता था, वहां पर दुर्रे पढ़ते थे, वहां जाके पता नहीं ट्रेनिंग होके 2 साल बाद सेकंड लेफ्टिनेंट बनते थे। वो फौजियों से पूछिए, मैं तो शकरगढ़ 71 की वॉर के बाद शकरगढ़ में था, ये छोटे सेकंड लेफ्टिनेंट वगैरह भाग गए थे फ्रंट से, ये प्लेटून जिनके हाथ में होती है वो ऑफिसर्स रैन अवे फ्रॉम शकरगढ़ इन द सियालकोट सेक्टर। वो जो बेचारे फौजी थे लांस नायक और सुबेदार और ये सब, दिस इज बेरी 3 months आफ्टर द 71 वॉर, आई वॉज विद PTB ऑन द फ्रंट लाइन, they were laughing at our officers, हमारे सोल्जर, मतलब साहब तो कांपने से नहीं हटते थे वो इंडियन आर्टिलरी के सामने। लेकिन अगर अगर हम आर्मी की बात कर रहे हैं अभी, तो पाकिस्तान में एक ये भी बात चल रही है कि आर्मी चीफ जो है वो उनके रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है, कहा यह जा रहा है कि कुछ दिन बढ़ा दिए जाएंगे और शायद वो नवंबर के बजाय मई तक एक्सटेंड हो जाएगा। आपके ख्याल से क्या चेंज आता है, आर्मी चीफ कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में? और ये भी सुनने में आता है, कई लोग कहते हैं कहां तक सही है मालूम नहीं, कि आर्मी चीफ के लिए नाम जो ओके किया जाता है या अप्रूव किया जाता है वो अमेरिका से कहा जाता है कि इनको रखना है या इसको रखना है। नहीं ऐसी अब बात नहीं है, जब पाकिस्तान साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सेदार था, जिसे एक जमाने में बगदाद पैक कहते थे, उसके अंदर ये था कि यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रेट ब्रिटेन, टर्की, ईरान, पाकिस्तान एंड इराक, दे वर वन, जैसे नेटो है इस वक्त वैसे था बगदाद पैक। फिर इराक में जब जनरल कासिम आए हैं, फिर उसके बाद कू हुआ, तो दे लेफ्ट दिस एंड इट बिकेम सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सेंट्रल कमांड सेंटो का वॉशिंगटन DC में था, तो आर्मी कमांडर इन चीफ जो पाकिस्तान का है, मोस्ट स्ट्रेटेजिक प्लेस ईरान और पाकिस्तान का था क्योंकि सोवियत यूनियन ऊपर था, वहां तक तो पेंटागन एंड पाकिस्तान मिलिट्री जो रावलपिंडी में होती है उनका अब भी डायरेक्ट अभी भी लिंक्स हैं, दे आर नॉट थ्रू द फॉरेन ऑफिस या स्टेट डिपार्टमेंट का, लेकिन अब वो दे हैव नो लीगल बेसिस और नीदर डिड डू दे इंटरफियर। अफगान वॉर के अंदर भी उनको पता होना चाहिए कि भाई किस टाइप जनरल आ रहा है, मतलब जिया भी हो कम अज कम हमारे पैसे तो खाए ना, नमाजें पढ़ता रहे जितनी उसने पढ़नी है, उसका सर्टिफिकेट था जिया का कि उसने 20,000 फिलिस्तीनी मारे थे, तो ही ऑलवेज अपीयर टू द अमेरिकन्स एज अ लॉयल सोल्जर, कि ये तो अपने लोगों को फिलिस्तीनियों को मार दिया, ब्लडी संडे जो ग्रुप का नाम उस पर है, ये जियाउल हक ने कत्ल किए थे सबको, so they were adjusted, but I don't think that after the collapse of the Soviet Union wo forces maujood hain jiske तहत America ko zarurat bhi hai ki kaun aata hai kaun jata hai, humne kya kar lena hai, hamare jo nuclear bomb hai us pe hamare interior minister kehta hai wo pabwa pabwa ka bomb banayenge hum aur aise mahallon pe marenge jahan musalman na rehta, matlab they know ye anpadh logon ki kaam hai। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से तारिक फतेह साहब एक्सप्लेन कर रहे थे, अब तारिक फतेह सर बुजुर्ग होते जा रहे हैं। आपने तारिक फतेह को डेफिनेटली इंडियन मीडिया में देखा होगा, 2015 के आसपास ये इंडियन मीडिया में वायरल हुए, हालांकि इनकी एक क्लिप थी TAG TV जो ताहिर गोरा का है उसमें 2012 वगैरह की क्लिप थी, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया पाकिस्तान के बारे में। उस वजह से यूट्यूब तो उस टाइम पर भारत में फेमस था नहीं, क्योंकि भारत में नेट बहुत महंगा था, तो
तो वो वीडियो वायरल होती है 2015 16 17 के आसपास, बहुत ज़्यादा वायरल होती है बेसिकली, क्योंकि 4G आया, सस्ता नेट आया उस टाइम पे, नेट सस्ता था तो सब लोग सोशल मीडिया, यूट्यूब, मोबाइल उस पर पहुंचे, तो उनकी क्लिप वायरल हुई। जिसके बाद हुआ क्या, तारिक फतेह सर को इंडियन मीडिया में इन्विटेशन मिलने लगे, इन्विटेशन मिलने लगे, उसके बाद इनका खुद का शो आया था GTV में, फतेह का फतवा, आपको याद होगा रोहित सरदाना सर के साथ। रोहित सरदाना जहाँ पर भी हैं आप, ओम शांति, आप खुश रहें, आपने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की, बहुत मिस करते हैं आपको, आप रोहित सरदाना सर को जानते होंगे, उनके साथ इनका शो आया था। उसके बाद तारिक फतेह सर बहुत फेमस हो गए, क्योंकि एक बेबाक राय, जो सच है वो बोलना, एक्सपोज करना, रियलिटी बताना, जो कि लोगों को पता है लेकिन फिर भी छुपाते हैं वो। तो उसके बाद आप देख सकते हो कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पाकिस्तान के कैसे जाहिल लोग हैं, पाकिस्तान के, हालांकि ये जाहिल लोग मुझे इतने बड़े नंबर में नहीं लगते हैं। रीज़न क्या है कि ये आबादी होती है हर जगह थोड़ी सी, बट ये जो पाकिस्तान 99.9% है मुस्लिम कंट्री, तो वहाँ पर जो धार्मिक प्रवृत्ति के ज़्यादा जो लोग हैं वो ऐसा सोचेंगे। हालांकि अब जो भूखा ना मरता क्या करता, भूखे मरने को थोड़ी ना पता रहेगा कि यार ये सिया का है, टमाटर की सुन्नी का है, लेकिन पाकिस्तान की जो अपर क्लास है उनको तो डॉलर मिल रहे हैं, उनको मदद मिल रही है, तो वो मदद नीचे तक पहुंचनी है, वो उनके अंदर जाएगी, वो अंदर जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, बाहर पैसा फंसाएंगे, आर्मी हो या पाकिस्तान के पॉलिटिशियन। तो क्रिश्चियनों का डॉलर ले लोगे आप, ठीक है, नास्तिकों से आप टेंट ले लोगे, चाइना की बात कर रहा हूँ मैं, सिया मुस्लिम के टमाटर ले लोगे, भारत से जो मदद होगी वो ले लोगे, फिर ये काफिर काफिर करोगे। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़।